गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे इज द वसुंधरा बुक चैप्टर नंबर 21, लालची लाला चित्रकथा। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, चित्रकथा इसलिए बोलेंगे क्योंकि चित्र के थ्रू ही इसमें जो स्टोरी है वो आपको बताई गई है। ओके, थोड़ी लेंथी स्टोरी है, सो ओके स्टार्ट। एक गांव में एक लालची दुकानदार रहता था। एक बार एक तांत्रिक उसके पास आया। आओ बाबा, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। लाला, आज जो भी पहला ग्राहक आए तुम उसे उसके सिर पर डंडा मार दे। तो ये कौन बोलता है? लालची दुकानदार को कौन कहते हैं? एक तांत्रिक बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी पहला ग्राहक आएगा तो तुम उसके सिर पर डंडा मार देना। क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ अगर वो मर गया तो? कौन कहते हैं? दुकानदार कहते हैं। क्या कहते हो बाबा, ऐसा भी कभी होता है? नहीं मारेगा बल्कि डंडा लगते ही वह सोने हो जाएगा। अच्छा बाबा, कभी झूठ नहीं बोलते बच्चा, कहकर बाबा चला गया। लेकिन लाला की तकदीर देखो, दोपहर तक एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। आज सुबह सुबह ही तांत्रिक का अच्छा मुंह देखा, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। आज सुबह सुबह ही तांत्रिक का अच्छा मुंह देखा। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे उसका तांत्रिक का मुंह देखा कि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। दोपहर बाद एक बूढ़ा आदमी लाला की दुकान पर आया। वो लाला का पिता था। उसे देखकर परेशान हो उठा। अब देखो उसने क्या कहा था तांत्रिक ने कि अगर तुम्हारी दुकान पर कोई पहला ग्राहक आएगा तो तुम उसके सर पर एक डंडा मारोगे। लेकिन क्या होता है, दुकानदार के पास पहला ग्राहक कौन आता है? उनके खुद के पिता ही आ जाते हैं। पिताजी, आप किसने आए यहाँ आए? क्या चाहिए आपको? बेटा, मुझे हुक्के के लिए थोड़ा सा तंबाकू चाहिए। लाला ने तुरंत थोड़ा तंबाकू अपने पिता को दे दिया। यह लीजिए। तांत्रिक ने यह कहा था कि जो भी पहला ग्राहक आए, लेकिन यह तो मेरे पिता ही है। लाला पर लालच सवार था। वह अपने पिता को ही पहला ग्राहक समझ बैठा और हाय राम। वो मतलब कि दुकानदार जो था, लालची था, उसको तांत्रिक की बात याद आ गई कि अगर कोई भी पहला ग्राहक आएगा तो तुम उसके पास उसकी सर पे वार करोगे। तो लालची था बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया, उसके सर पे डंडा मार दिया। आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें बता रखा है कि उसने उसके सर पे डंडा खींच के मारा है। ओके, लाला दुकानदार से कूद कर नीचे आ गया। लाला दुकान से कूद कर नीचे आ गया। लोग दौड़े पड़े, क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये तो सोना ही नहीं बना। ये कौन कह रहा है? ये दुकानदार कह रहा है। देखो, इस लालची लाला ने अपने बाप को ही मार डाला। तभी दो सिपाही वहां आए, एक लाला को पकड़कर ले गया। ये हत्यारा है, इसे कर्दन मिलना चाहिए। लाला हवालात में, बाबा आपने तो कहा था कि पहला ग्राहक डंडा मारने से सोने का हो जाएगा। मूर्ख, मैंने ठीक ही कहा था, पर वह तेरा बाप था, ग्राहक नहीं था। पर तूने लालच में अपने बाप को ही मार डाला। देखो, उसको इतनी ज़्यादा लालच हो जाता है कि अगर उसका कोई भी पहला ग्राहक आएगा वो उसे मारेगा तो वो सोना बन जाएगा। मगर वो इतना लालच में डूब गया कि उसने अपने खुद के पिता को ही मार दिया ताकि वो सोना बन जाए। लाला पछताने लगा, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। बाबा हाय, मैंने ये क्या कर दिया? अध्यापक ने कहानी सुनाकर शिष्यों से कहा, बच्चों हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही उस लालची लाले ने अपने बूढ़े पिता को मार डाला। अब रोने से वह जीवित नहीं हो जाएगा, लालच का फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। टीचर जी, हम कभी लालच नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं। तो लालच इतनी बुरी बला है, उसको इतनी ज़्यादा लालच में वो डूब गया कि उसने अपने खुद के पिता को ही नहीं समझा और अपने पिता पे ही उसने वार कर दिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। किसी भी चीज़ को लेके हमें लालच नहीं करनी चाहिए, वो हमें डुबा ही देती है। ओके, तो आपकी जो स्टोरी है कंप्लीट हो गई है। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।